देखो ये वाटरप्रूफ लेजर पॉइंटर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन ए वाटर टैंक रोटेट्स अबाउट द हॉरिजेंटल एक्सेस। तो इस तरह का ये लेजर सोर्स है, ठीक है। दोबारा बना लेते हैं इसको कि एक वाटर टैंक में लेजर सोर्स रखा हुआ है। ये वाटर ट्रे क्या होगा, ठीक है। ये आपका वाटर सोर्स हो गया पूरा, और यहाँ पर एक लेजर है, लेजर सोर्स। इस तरह का एक पॉइंटेड सोर्स आप बना लेते हैं। तो ऐसे ये अपनी एक्सेस के अबाउट घूम रहा है। तो लेजर पहले ऐसी कर रही थी, ठीक है, और इसको हटा देते हैं। हाँ, और फिर आपने घुमाया इसको, ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं आप, तो फिर लेजर ऐसे आएगी, ठीक है, और फिर लेजर और घूमेगी, तो ऐसे ऐसे घूमती जा रही है। समझ में आ रहा है कैसे जा रही है? लेजर सोर्स घूम रहा है इसके अबाउट, ये जो सोर्स है अपने इस एक्सेस के अबाउट घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है ना। तो ऐसे जा रही है लेजर इस तरह की, ठीक है। और ये कह रहा है ऊपर पानी भर रहा है, मान लो इस टैंक में यहाँ पर ये, ठीक है, और इधर दीवार है, तो दीवारों पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। ये इसने मना कर दिया आपको ऑलरेडी कि इन दीवारों पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन एज शोन इन द फिगर अबाउट द हॉरिजेंटल एक्सेस, यहाँ से आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट लेजर सोर्स घूम रहा है। तो इस तरीके से लेजर घूमती जा रही है इसके साथ में, ऐसे रेस गिर रही है, पूरा एक चक्कर लग रहा है इसमें, ठीक है। तो ये घूमने में तो दिक्कत नहीं है लेजर के किसी को? मनीषा बताइए, लेजर का घूमना समझ में आ रहा था आपको? यस हाँ, एक पॉइंट सोर्स घुमा दो यहाँ पर, जैसे फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ये सोर्स ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से घूमता जा रहा है, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन दे रखा है, मतलब इसका ओमेगा आपको दे रखा है, ओमेगा की वैल्यू है आपके पास, ठीक है। और अज्यूमिंग वाटर इज स्टिल, तो वाटर में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रिफ्लेक्शन हो, एंड नो रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टैंक। टैंक से सरफेस से कोई भी इस तरह की सरफेस से कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, केवल लाइट डायरेक्टली वाटर से ही बाहर आ सकती है, ठीक है। तो द ड्यूरेशन फॉर विच लाइट बीम एस्केप्स द टैंक इन वन टाइम पीरियड इज क्लोज टू, तो इस पूरे एक चक्कर में कितने टाइम पीरियड के लिए लाइट बाहर आई, ठीक है। तो आप TIR बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो आपको पता है कि इधर जैसे जैसे जा रहा है इस साइड से, यहाँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, जैसे जैसे ये इंसिडेंट रे इधर बढ़ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अगर आई की वैल्यू यहाँ तक आने पर क्रिटिकल एंगल से कम रही, ठीक है ना, क्योंकि आई बढ़ता जा रहा है इंसिडेंस एंगल, जैसे जैसे आपका सोर्स इधर आ रहा है, तो इन रेस का इंसिडेंस एंगल बढ़ता जा रहा है। अगर यहाँ तक पहुंचने पर भी आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से कम रही, ठीक है ना, तो बस फिर आपका यहाँ से यहाँ तक घूमने का टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे भी तो होगा, इधर भी होगा, ठीक है। फिर तो आपको यहाँ से यहाँ तक घूमने में जितना टाइम लगा, पूरे टाइम लाइट बाहर आती रही, ठीक है। बट अगर बीच में कहीं आई की वैल्यू ग्रेटर देन थीटा सी से ज्यादा हो गई, तो बस वहीं से लाइट बाहर आना बंद हो जाएगी, और फिर ये जो आई इक्वल टू थीटा सी है, तो इधर भी आपका थीटा सी होगा, कहीं यहाँ पर भी थीटा सी होगा, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, 2 थीटा सी घूमने में कितना टाइम लगा, वो आपका आंसर होगा। बट यहाँ तक अगर इंसिडेंस एंगल, ठीक है ना, यहाँ तक इंसिडेंस दो एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है, ठीक है, तो फिर आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक घूमने में जो टाइम लगेगा, ठीक है ना, ये रेज ऐसे जा रही है सारी, ठीक है। इस लेजर के यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। पहले तो आप यहाँ का एंगल निकाल लो, यहाँ पर अगर गिरती लाइट तो इंसिडेंस एंगल कितना होता, ठीक है। तो पहले तो क्रिटिकल एंगल और वो सब देख लेंगे, डायमेंशंस आपको दे रखी है एंगल निकालने की। देखो ये एंगल निकाल सकते हो आप, ठीक है ना, ये आपका कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 30, तो ये वाला इंसिडेंस एंगल आ जाएगा, 10 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 30/10, ठीक है। समझ रहे हैं सब लोग इस बात को कि यहाँ जस्ट कॉर्नर पे जब लाइट जाती है ना, क्योंकि यहीं से लाइट बाहर आ सकती है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि बाकी सब कोई रिफ्लेक्शन कुछ नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक में पूरे एरिया से बाहर आएगी या नहीं, उसके लिए आपको ये एंगल चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, 30/10, 10 थीटा अगर बोले, ठीक है, तो यहाँ से ये 10 थीटा कितना आ जाएगा, 3 की वैल्यू के बराबर, ठीक है ना। अब वो चेक करो क्रिटिकल एंगल कितना है, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल अपन चेक करेंगे, तो फिर देखेंगे थीटा उस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, यानी देखो कैसे कर रखा है, तो आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गया होगा क्या करना है, ठीक है। ये फाई एंगल है, तो 10 फाई इज इक्वल टू था, पहले क्रिटिकल एंगल निकालो, क्रिटिकल एंगल कितना होगा, 4/3 sin θc, क्योंकि इसका आपको 4/3 है, ठीक है। और साइन थीटा जी कितना आ गया, 0.75, और आपका यहाँ से
पहले इस पे देखो, ये तो अभी निकाल लेंगे, पहले ये चेक कर रहे हैं टेन फाइव, ये फाइव क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है या कम है, ठीक है ना, क्योंकि ये फाइव है तो इंसिडेंस एंगल कितना है यार कॉर्नर तक का, तो इस फाइव की वैल्यू चेक करें, ठीक है ना, ये फाइव की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो टेन फाइव कितना आ रहा है, थ्री आ रहा है, थर्टी बाई टेन, ठीक है, इधर से कर लो, या फिर टेन फाइव थर्टी बाई टेन, तो टेन फाइव इज इक्वल टू थ्री, तो साइन फाइव कितना आ जाएगा, देखो अगर टेन फाइव थर्टी है तो साइन फाइव कितना आ जाएगा, थ्री बाई टेन आ जाएगा कि सर आपकी आवाज, आपकी आवाज कट रही है, थ्री बाई टेन, थ्री बाई रूट टेन आ जाएगा आपको, ठीक है, तो आपका साइन फाइव आ गया थ्री बाई रूट टेन, थ्री बाई रूट टेन कितना आएगा, जीरो पॉइंट नाइन फोर एट आ गया, ठीक है, तो साइन फाइव की वैल्यू आ रही है जीरो पॉइंट नाइन फोर एट, और साइन थीटा सी की वैल्यू आ रही है जीरो पॉइंट सेवन फाइव, तो कौन सा ज्यादा होगा, फाइव ग्रेटर देन थीटा सी हो जाएगा, ठीक है ना, फाइव ग्रेटर देन थीटा सी, क्योंकि साइन थीटा सी आ रहा है जीरो पॉइंट सेवन फाइव, साइन फाइव आ रहा है आपका थ्री बाई रूट टेन, ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा किसी को भी, तो डेफिनेटली फाइव की वैल्यू क्या है, थीटा सी से ज्यादा है, यानी बीच में ही कहीं पर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल को क्रॉस करेगा, वो आपको देखना है कहाँ क्रॉस करेगा, ठीक है, तो वो देखने के लिए आपकी मतलब क्रिटिकल एंगल वो क्रॉस कर जाएगा, तो बस आपको टाइम देखना है बस कितना होगा, ठीक है ना, ठीक है, कि आपका यहाँ पर क्रिटिकल एंगल तक जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक लाइट बाहर आती रहेगी, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लाइट बाहर नहीं आएगी, तो ये एंगल थीटा सी, ये एंगल थीटा सी, तो बस अगर ऐसे घूम रहा है वो, तो बी से ए तक जाने में जब तक जाएगा वो, ठीक है, बी से ए तक, तब तक लाइट बाहर आती रहेगी, जैसी क्रॉस करा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा इंसिडेंस एंगल और लाइट बाहर आना बंद हो जाएगी, ठीक है, तो आपको टू थीटा सी घूमने में कितना टाइम लगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, टू थीटा सी घूमने में कितना टाइम लगा वो आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पर फाइव थीटा सी से कम आ जाता तो टू फाइव घूमने में कितना टाइम लगा वो आंसर हो जाता, ठीक है ना, बट अगर अगर आपने क्रिटिकल एंगल का ध्यान नहीं दिया, केवल आपने समझ लिया पानी से बाहर आनी है, तो बस यहाँ से यहाँ तक घुमाने का टाइम निकाल लिया, तो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए आपको क्रिटिकल एंगल पढ़ाया गया है कि आप ऐसी गलती ना करें, ठीक है, यहाँ तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही लाइट बाहर आना बंद हो जाएगी, क्योंकि इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर जाएगा, इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता इस प्रॉब्लम, ठीक है, अब आपको आ जानी चाहिए टू थीटा सी इक्वल टू ओमेगा इनटू टी, यहाँ से टाइम निकल, ठीक है, ओमेगा ये रहा क्रिटिकल एंगल, ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ से वो टाइम निकल सकता है, निकाला नहीं मैंने टाइम, निकाला नहीं निकाला, बस टू थीटा सी बाई ओमेगा आंसर वैल्यू रखेंगे तो आ जाए, हाँ बताओ क्या कह रहे हो, रेडियन में रखना है, हाँ बताओ बेटा कुछ कह रहे हो क्या, सर आप वापिस बता रहे हो, नहीं नहीं बता दिया मैंने, बता दिया कंप्लीट, मतलब ये कल, मतलब हाँ कल वाला ही वापिस बताया, कल वाला ही, ठीक है, हाँ क्लियर है, अब बस ये रिकॉर्ड कर दिया, तो किसी को दिक्कत है तो आप वापिस सुन सकते हैं इसको, ठीक है, ये टाइम निकाल रखा है मैंने, निकाल तो रखा है, टू साइन इनवर्स थ्री बाई फोर टू पाई बाई सिक्सटी, तो ये टाइम आ जाएगा 16.19 सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना, ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी टू साइन इनवर्स थ्री बाई फोर अपॉन टू पाई बाई सिक्सटी, तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बन रहा है, के वी पाई में आया था, तो वहां पर आप कैलकुलेटर से टाइम निकाल सकते, ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा बताइए, बात क्लियर है एकदम, ये अभी जस्ट आया है 2020 का 19 का है, ठीक है, चलिए वेरी गुड, आपको बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है,